तो आज हम बात करने वाले हैं एक रूम और एक किचन और एक वॉशरूम को बनाने में कितना खर्चा आता है उसके बारे में। तो यहाँ पे 11x23 का यहाँ पे हमने एरिया लिया है, 250 स्क्वायर फीट एरिया आ जाता है। तो जिन लोगों को एक रूम, एक छोटा सा रूम और एक किचन बनाना है और छोटा सा वॉशरूम चाहिए, तो ये अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा वो डिटेल में देखेंगे। मैं पूरा कंप्लीट डिटेल में आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कितना कॉस्टिंग आता है। तो बढ़ते हैं डायरेक्ट एस्टिमेट की तरफ और देखते हैं एस्टिमेट। तो देखिए यहाँ पे सीमेंट, सबसे पहले हमारा सीमेंट का आइटम आ जाता है। तो यहाँ पे सीमेंट की आपको 75 बैग लग जाएंगी कम्प्लीट, और 400 के हिसाब से 30,000 रुपये का अमाउंट आ जाएगा। स्टील यानी लोहे की मैं बात करूँ यहाँ पे तो 650 kg तक लोहा लग जाएगा, यानी 6.5 क्विंटल, और 75 का रेट रहेगा यानी 75 रुपये पर kg का रेट रहेगा यहाँ पे, और 48,750 रुपये इसका अमाउंट आ जाएगा। सैंड की मैं बात करूँ जो रेती है उसकी अगर मैं बात करूँ तो 500 क्यूबिक फिट लगेंगी, यानी 5 ट्रैक्टर जिसमें 5 ब्रास आपको सैंड मिल जाती है, 60 रुपये के हिसाब से इसका अमाउंट आ जाएगा 30,000 रुपये। एग्रीगेट की मैं बात करूँ तो 350 क्यूबिक फिट एग्रीगेट लगेंगी, 30 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से 10,500 इसका अमाउंट आ जाएगा। ब्रिक्स की मैं बात करूँ तो रेड यहाँ पे हम फ्लाई ऐश ब्रिक यूज करेंगे, फ्लाई ऐश ब्रिक सस्ती होती है, तो यहाँ पे 6,000 ब्रिक आएंगे, फ्लाई ऐश ब्रिक का रेट 5 रुपये पर ब्रिक के हिसाब से लिया है, 30,000 रुपये इसका अमाउंट आ जाएगा। लेबर रेट, अब देखिए लेबर रेट फॉर फाउंडेशन, तो 250 स्क्वायर फिट एरिया आ रहा है हमारा, 100 रुपये के हिसाब से जो फाउंडेशन का खर्चा है वो 25,000 रुपये आ जाएगा, यानी फाउंडेशन बनाने में हमको लेबर कॉस्ट 25,000 देना पड़ेगा एक रूम, एक किचन और वॉशरूम के लिए। वही अगर मैं लेबर रेट फॉर फ्लोर स्लैब की मैं बात करूँ, लेबर रेट फॉर फ्लोर स्लैब के लिए आपको जो खर्चा आ जाएगा वो 62,500 आ जाएगा, 62,500 रुपये। इसमें 250 स्क्वायर फिट का एरिया है, 250 का रेट लिया है मैंने यहाँ पे। विट्रीफाइड टाइल देखिए 200 स्क्वायर फिट का विट्रीफाइड टाइल लग जाएंगी हमारी, 10,000 की विट्रीफाइड टाइल आएंगी। सेरेमिक टाइल 200 स्क्वायर फिट लगेंगे वॉशरूम में, तो ये 7,000 की आ जाएंगी यहाँ पे। इसके बाद आपका किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइल आपको 1,750 में मिल जाएंगी। किचन प्लेटफॉर्म को बनाने का टाइल फिटिंग चार्ज जो है टोटल आपका जो भी इसमें टाइल लगाया उसका जो लेबर कॉस्टिंग आएगी वो 6,000 रुपये आ जाएगी। इसके बाद ग्रेनाइट की अगर मैं बात करूँ तो 10,000 का ग्रेनाइट किचन प्लेटफॉर्म हो जाएगा आपका, छोटा सा प्लेटफॉर्म रहेगा यहाँ पे। डोर फ्रेम, 3 डोर फ्रेम यहाँ की 12,000 की हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे आप अगर कंक्रीट डोर फ्रेम लगाते हैं तो कंक्रीट डोर फ्रेम 500 रुपये की आती है, तो यहाँ पे अगर आप 500 रुपये के हिसाब से 3 डोर फ्रेम लगाते हैं तो वो आपकी 1,500 की हो जाएगी, सीधे सीधे 10,000 की आपकी यहाँ पे बचत हो जाती है, तो यहाँ पे मैंने वो भी कम कर दिया। तो आप कंक्रीट की डोर फ्रेम लगा सकते हैं, वो भी अच्छी होती है, तो यहाँ पे आपका 1,500 रुपये में कंक्रीट की डोर फ्रेम आ जाती है, 500 से 1,000 रुपये इसका कंक्रीट डोर फ्रेम का रेट होता है। इसके बाद फ्लश डोर यहाँ पे 6,000 का आ जाएगा जो कि सामने में लगाएंगे, वॉशरूम डोर एक आ जाएगा 3,000 रुपये का, विंडो ग्रिल 2-4,000 रुपये की आ जाएगी, एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो 2 स्लाइडिंग विंडो 12,000 के आ जाएंगे, लोड विंडो वॉशरूम का 2,000 का आ जाएगा, वाटर टैंक हमारा 3,000 रुपये का आ जाएगा, वॉल पुट्टी नहीं आएंगे इसमें, पेंटिंग ही आएंगी आपकी, मैंने वॉल पुट्टी लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो पेंटिंग का कॉस्ट है वो 20,000 रुपये आएगा। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन रह गया, तो प्लम्बिंग में 12,000 रुपये कॉस्टिंग आ जाएंगी और इलेक्ट्रिफिकेशन में आपका 25,000 तक कॉस्टिंग आएगा। प्लम्बिंग में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, एक वॉशरूम है और एक छोटा सा बेसिन आ जाएगा, और इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा 2 ही रूम का है तो 25,000 उसका आ जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं टोटल कॉस्टिंग देखूँ यहाँ पे तो 3,60,000 रुपये आ रही है, यानी 250 स्क्वायर फिट का आप बनाते हैं एक रूम, एक किचन, एक वॉशरूम, तो 250 स्क्वायर फिट एरिया लग जाएगा, उसमें 10x10 का आपका रूम निकल जाएगा, 7x10 का किचन निकल जाएगा और 4x7 का आपका वॉशरूम निकल जाएगा। तो काफ़ी लोग होते हैं जिनका कंडीशन नहीं होता है और वो 2 ही रूम बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एस्टिमेट था। तो 3,60,000 रुपये का बजट रखिए, 3.5 से 4 लाख रुपये में आपका इजीली हो सकता है और अच्छा हो सकता है, प्रॉपर अच्छा मकान, +2 का मकान हो सकता है 3.5 लाख में। और आपका नहीं है बजट, इससे भी अब आपका कम बजट है तो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या आप इसमें कमी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो टाइल्स है, ये जो ग्रेनाइट किचन प्लेटफॉर्म है, ये आप सादा गैस का ओटा बनाते हैं तो इसको बनाने में आपको 5,000 का कॉस्टिंग लगेगा, यहाँ पे 5,000 में बन जाएगा। उसके बाद आपका जो इसके बाद सेरेमिक टाइल है, तो वॉशरूम में अगर आप सेरेमिक टाइल, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड बाथरूम है, वॉशरूम है, वहाँ पे आप सेरेमिक टाइल केवल 3 फिट तक लगाते हैं तो वो यहाँ पे कम हो जाएगा, तो ये 3,500 रुपये यहाँ पे माइनस हो गए। विट्रीफाइड टाइल आप जरूरी नहीं कि 50 रुपये स्क्वायर फिट की लगाओ, आप 30 रुपये वाली भी यहाँ पे लगा सकते हैं, तो 6,000 रुपये मतलब 4,000 रुपये यहाँ पे भी हमने कम कर दिए। और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए इसके बाद डोर फ्रेम हमने उसमें ऑलरेडी कम कर दिया है, ऊपर से देखते हैं
सीमेंट में सीमेंट है, सैंड है, स्टील है, एग्रीगेट है, इसमें कुछ कमी नहीं करना है हमें। ब्रिक्स में हमने ऑलरेडी फ्लाई ऐश लगा दी, वहाँ पे भी कमी की है। लेबर रेट में भी हमारा कोई कमी नहीं होगा। उसके बाद लेबर रेट फॉर फ्लोर स्लैब, इसमें भी कोई कमी नहीं होगा। विट्रीफाइड टाइल, सेरेमिक टाइल, टाइल फॉर किचन प्लेटफॉर्म, ये भी इसमें भी कोई कमी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो 5,000 में बनेगा, सादा ओटा बनेगा, सिंपल प्लेटफॉर्म बनेगा आपका, तो ये सिंपल प्लेटफॉर्म के लिए है। इसके बाद डोर फ्रेम वगैरह में इसमें भी कोई कमी नहीं होगी आपकी। फ्लश डोर, वॉशरूम डोर, विंडो ग्रिल, एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो। देखिए अभी यहाँ पे आपका बजट नहीं है फिलहाल, आप बाद में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चला सकते हैं, ग्रिल से भी काम चला सकते हैं, तो यहाँ पे ये आपका ये माइनस हो जाएगा। आप बाद में जब आपका बजट आ जाता है तो लगा सकते हैं। यहाँ पे सादी सिंपल ग्रिल भी आप लगा सकते हैं, तो ये 1,000 रुपये, सॉरी ये 500 रुपये की ग्रिल आ जाएगी यहाँ पे। तो ये भी लोड विंडो भी मैं अपने 500 रुपये कम कर दी। और वाटर टैंक तो ये कंपलसरी है। वॉल पेंट, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा आप बिरला व्हाइट कर देते हैं, तो बिरला व्हाइट को अगर आप खुद से अगर पुताई कर देते हैं तो आपका 1,000 1,000 2,000 रुपये में काम हो जाता है। मैं 2,000 रुपये लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से और भी आप 50,000 की यहाँ पे बचत कर सकते हैं। तो 3 लाख तक आप इस एस्टिमेट को ला सकते हैं, यानी 3 लाख तक आप 3 लाख में आप बना सकते हैं। इसमें अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे ये रूम और किचन और वॉशरूम निकाल रहे हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर छोड़ दिया आप, ग्राउंड फ्लोर में हमारा फाउंडेशन आ जाता है। फर्स्ट फ्लोर में अगर आप इसे कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट फ्लोर में 50,000 रुपये और माइनस कर लीजिए, मतलब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप बनाते तो 2,50,000 रुपये तक एस्टिमेट कॉस्टिंग है। तो यहाँ पे देखा होगा आपने कि हमने किस तरह से आइटम में कमी की है। अब काफी सारे यही एस्टिमेट हम 6-7 लाख रुपये में बना सकते हैं, और यही हम 3 लाख 2,50,000 तक ला सकते हैं। तो ये सब क्रिएटिविटी होती है, ये सब आइडियाज देखना होता है, कैसे पैसा कम होगा, कैसे ज्यादा बढ़ेगा, ये सब देखना होता है। तो ये आज का एस्टिमेट था, मुझे आशा है आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। और कोई प्लानिंग डिजाइन बनाना चाहते हैं हमारी कंपनी से तो कॉल कर सकते हैं आप, कॉन्टेक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए।